दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रियल डायमंड पर। दोस्तों हम आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में वीडियोस बना रहे थे, बहुत सारी वीडियो हमने बना दी जो कि Facebook पर और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी को मिलेगी, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। और आज की ये वीडियो भी आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में ही है कि हम जिंदगी को एक बेहतर ढंग से किस तरह से जी सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट जो हमने पॉइंट आउट किए हैं, आज भी एक मुख्य पॉइंट, एक मुख्य बिंदु आपके लिए लेकर आए हैं, वो ये पॉइंट है कि अगर हमें ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जीना है तो हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जितने भी रूल हैं ये लाइफ को जीने के, जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी रूल हैं, ये सभी नेचर पर डिपेंड है। इस प्रकृति को देखकर ही हमने ये सारी चीज़ें सीखी है। जिस प्रकार प्रकृति का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, हमें भी ज़िंदगी को अगर बेहतर ढंग से जीना है तो हमें किसी के साथ कोई सफलता, कोई कंपटीशन नहीं रखना है। दोस्तों ये प्रतिस्पर्धा बड़ी भयानक है, इसका मतलब होता है कि हमें किसी से आगे निकलना, और आगे निकलने का मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ना। लेकिन दोस्तों हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, हमें सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। इसलिए ज़िंदगी को अगर हम आनंद से जीना चाहते हैं तो कंपटीशन को हमेशा के लिए त्याग देना होगा। हर फील्ड से अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे छात्रों के साथ आप कंपटीशन रखें, आपको ये कंपटीशन की भावना का त्याग करना होगा। इसके बदले में आप क्या करेंगे वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अनुसफलता करनी होगी। अनुसफलता का मतलब खुद से मुकाबला करना होगा। खुद से मुकाबला करने का मतलब है कि अपने आप को पहले से बेहतर बनाना। हम अपने से मुकाबला करते हैं तो हम अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और यही सृष्टि का, यही इस प्रकृति का नियम है कि खुद बेहतर बनिए, दूसरों को बेहतर बनाइए। ये नहीं कि खुद बेहतर बनना है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कंपटीशन किसी के साथ नहीं रखना है। दोस्तों ये कंपटीशन जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी घातक है। आजकल मैं देखता हूँ कि जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पर कोई फोटो अपलोड कर देते हैं, तो इवन लाइक्स जो मिलते हैं, कमेंट जो मिलते हैं, उनका भी लोगों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है कि मुझे इतने लाइक मिले और इसकी वीडियो पर या इसकी फ़ोटो पर लाइक्स नहीं आते, कमेंट नहीं आते, तो इसको भी लोग एक स्टेटस मान लेते हैं कि मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा देखते हैं या मेरी फ़ोटो पर ज़्यादा लाइक आते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा ये हमारे लिए इस तरह से सोचना बहुत ही खतरनाक है, कि हमारी ज़िंदगी से खुशियों को छीन रहा है, विलीन कर रहा है। हमें ऐसे विचारों से, हमें ऐसी बातों से, ऐसे विचारों से खुद को दूर रखना है। हमें बिना कंपटीशन के भाव रखे हुए हर फील्ड के अंदर, सोशल मीडिया पर आपने फोटो अपलोड कर दी, लाइक्स नहीं मिले तो आप उदास हो जाते हो। इवन हम सभी की बात कर रहा हूँ, हम सभी उदास हो जाते हैं। तो ऐसे हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि जो हमारी ज़िंदगी से खुशियों को छीन रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं करना है। जैसा है ठीक है, सभी अपने अपने में तीन बेस्ट होते हैं, कोई किसी फील्ड में आगे जा रहा है, कोई किसी फील्ड में आगे जा रहा है। ये सृष्टि सबको एक जैसा नहीं रखती, सबके अलग अलग फील्ड होते हैं जिनमें उनको आगे बढ़ना होता है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होता है। अगर हम उन क्वालिटीज़ पर सभी काम करें तो वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और अपने आप को बेहतर बनाने का मतलब है कि हम जीवन को बेहतर बना रहे हैं, जीवन को आनंदित बना रहे हैं। यही ज़िंदगी को बेहतरीन ढंग से जीने का एक फॉर्मूला है। जैसे ही आए हैं इस सृष्टि में, जैसे ही हम आए हैं, हम खुद को स्वीकार करें और खुद के साथ कंपटीशन रखते हुए, बिना दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यकीन मानिए दोस्तों ये फार्मूले बिल्कुल नेचर डिपेंड है, प्राकृतिक ये नियम है। इन नियमों पर आप चलिए, आपकी ज़िंदगी बेहद सुंदर हो जाएगी। छोटे छोटे पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं अपने रियल लाइफ से, और फिर ज़िंदगी को भी रियल और खुशियों से भरा हुआ बना देना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम ऐसी वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप भी हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए।